रहे हैं, आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश भारत की भविष्यवाणी में। नए साल का आगाज हो चुका है, नया साल यानी कि 2023 हमारे देश भारत के लिए कैसा रहने वाला है, इस साल बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, विश्व पटल पर क्या कुछ घटित होगा, भारत के रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ और अन्य देशों के साथ कैसे रहने वाले हैं, आज हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत की भविष्यवाणी पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साल 2023 के ग्रह और नक्षत्र क्या कहते हैं। आचार्य जी, वर्ष 2023 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी भारत के लिए कैसा रहने वाला है, कौन सा सितारा कहाँ पर है, क्या घटित होगा, क्या भविष्यफल होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं वर्ष 2023 की कुछ खास बातों की। हर साल अपने साथ कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, साल 2023 भी आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। आपको बता दूं कि यह साल भारतवर्ष के लिए सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे 2023 के प्रवेश के समय की। तो वर्ष प्रवेश के समय वृष लग्न है, अश्विनी नक्षत्र है, मकर का शुक्र है और फिर जल्दी ही वो कुंभ में गोचर कर जाएगा। धनु का सूर्य बुध है, वृष राशि में मंगल और मेष राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। वर्ष प्रवेश के समय भारत की जनपत्रिका में ग्रह इन्हीं स्थानों पर बैठे। और अब बात करते हैं जनवरी 2023 की। माह का प्रवेश धनु लग्न अश्विनी नक्षत्र से हो रहा है। इस महीने मकर का शुक्र, शनि कुंभ का शुक्र, धनु का सूर्य बुध शुक्र, सूर्य बुध वृष राशि में मंगल, मेष राशि में राहु। तो जनवरी महीने में पड़ने वाले जाई जैद योग यानी कि न्याय पाने के योग की, न्याय सबको चाहिए, चाहे न्यायालय से हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो। तो इस पर्टिकुलर समय में अगर आप अपनी बात रखते हैं या कोई आवेदन देते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, कोई मुकदमा दर्ज कराते हैं तो आपको विजय मिलेगी। पहला यही जैद योग 1 जनवरी की शाम 7:11 से अगली सुबह 2:24 तक, 7 जनवरी सूर्योदय से देर रात 3:08 तक, 9 जनवरी सुबह 9:39 से अगले दिन सूर्योदय तक, 12 जनवरी दोपहर 2:25 से शाम 4:37 तक, 14 जनवरी सूर्योदय से लेकर शाम 6:14 तक, 15 जनवरी शाम 7:45 से 16 जनवरी की शाम 7:20 तक, 21 जनवरी सुबह 10:09 से अगली सुबह 6:30 तक, 26 जनवरी सूर्योदय से सुबह 10:28 तक, 29 जनवरी सुबह 9:05 से रात 8:21 तक। और आइए बात करते हैं साल 2023 में व्रत और त्यौहार की तिथियों। तो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का शुभारंभ पौष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि अश्विनी नक्षत्र सिद्ध योग रविवार के दिन से हो रहा है। साल के पहले महीने में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। विस्तार से जानते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 23 तक कब कौन कौन से त्यौहार और व्रत पड़ रहे हैं, महीने वार इसकी चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे जनवरी महीने की। साल का पहला व्रत पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी को, पौष पूर्णिमा 6 जनवरी, माघ स्नान शुरू होगा 6 जनवरी से, गणेश संकष्टी चतुर्थी 10 जनवरी, लोहड़ी 13 जनवरी, मकर संक्रांति इस बार 14 को है, मौनी अमावस्या 21 तारीख, गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएगी 22 जनवरी से, बसंत पंचमी 26 जनवरी, रथ सप्तमी 28 जनवरी और गुप्त नवरात्र समाप्त होगी 30 जनवरी को। और अब बात करेंगे फरवरी 2023 की। फरवरी महीने की शुरुआत मकर लग्न मृगशिरा नक्षत्र से होगी। इस महीने मकर का सूर्य, कुंभ का शुक्र, शनि, धनु का बुध, वृष राशि में मंगल और मेष राशि में राहु गोचर करेंगे।
फरवरी महीने में पड़ने वाले यही जैन योग की बात। सबसे पहले 3 फरवरी सुबह 6:18 से अगले सूर्योदय तक यही जैन योग, 5 फरवरी दोपहर 12:13 से अगले दिन दोपहर 2:03 तक, 11 फरवरी सूर्योदय से लेकर सुबह 9:08 तक, 18 फरवरी सूर्योदय से लेकर शाम 5:42 तक, 19 फरवरी शाम 4:18 से अगली दोपहर 12:46 तक, 23 फरवरी देर रात 1:33 से देर रात 3:44 तक, 25 फरवरी रात 12:20 से देर रात 3:59 तक, 27 फरवरी देर रात 2:29 से सूरज उगने तक। और आइए बात करते हैं फरवरी के प्रमुख व्रत और त्यौहार की। तो माघ पूर्णिमा 5 फरवरी, माघ स्नान समाप्त 5 फरवरी, गुरु रविदास जयंती 5 फरवरी, महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी, कैलेंडर में नोट कर लीजिए। फाल्गुन मास की सोमवती अमावस्या 20 फरवरी, होलाष्टक शुरू होंगे 27 फरवरी को, अन्नपूर्णा अष्टमी 27 फरवरी की रहेगी। अब आगे के महीनों के बारे में हम जानने के लिए आचार्य जी से बात करेंगे और दोनों ही महीनों यानी कि जनवरी और फरवरी में बाजार का क्या हाल रहने वाला है, इस पर ग्रह स्थिति क्या इशारा करते हैं ये जानते हैं आचार्य जी। बिल्कुल, आइए देखते हैं क्या इशारा करते हैं। जनवरी का महीना दिन रविवार अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में शुरू हो रहा है। महीने की शुरुआत में सूर्य धनु बुध शुक्र शनि मकर गुरु मीन में और मंगल वृष में गोचर करेंगे। महीने की शुरुआत बुध उदित अवस्था में चलते हुए 2 जनवरी को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। 12 जनवरी को बुध पूर्व में उदय होंगे। 2 जनवरी को बाजार में बड़े स्तर पर घटा बढ़ी हो सकती है। 3 जनवरी से 6 जनवरी तक स्थितियां सामान्य रहेंगी। सीमेंट, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, कॉपर, विद्युत, रियल एस्टेट के धातुओं के शेयरों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। 17 जनवरी से 20 जनवरी तक शेयर बाजार में किसी न किसी कारण से उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इस समय विश्व के विकासशील देशों में भी बाजार में भी अस्थिरता के हालात होंगे। और अब बात करेंगे साल के दूसरे महीने यानी फरवरी की। तो ये महीना बुधवार मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि से शुरू होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य मकर में, शुक्र शनि की युति कुंभ में, गुरु मीन में रहेगा, मंगल वृष राशि में तथा बुध धनु राशि में रहेगा। 28 फरवरी को बुध उदित अवस्था में चलते हुए पूर्व दिशा में अस्त हो जाएंगे। 7 फरवरी को बुध सूर्य के साथ युति बन रही है और 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर शनि के साथ प्रतियुति करेगा। 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर गुरु के साथ युति करेंगे। 27 फरवरी को बुध सूर्य शनि के साथ प्रतियुति करेंगे। इसका अर्थ है कि फरवरी की शुरुआत यानी 3 फरवरी तक फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट में। इस समय सीमेंट, लोहा, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट कंपनियों को शेयरों में दबाव की स्थिति बन सकती है। 7 फरवरी को भी फ्लक्चुएशन रहेगा। बाजार की स्थितियां 8 से 10 फरवरी तक ही सामान्य होने की संभावना है। सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मास्यूटिकल, बैंक इत्यादि के और विद्युत, पावर और धातुओं के शेयरों में अस्थिरता बनी रहेगी, सुधार की स्थिति बनी रह सकती है। 13 फरवरी को उतार चढ़ाव होगा। 14 फरवरी से 17 फरवरी को जिन सेक्टर्स में उतार चढ़ाव हुए थे उनमें पूर्ण सुधार की संभावना प्रतीत हो रही है। इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं। अभी इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस महीने में लोहा, सीमेंट, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, मोटर कार कंपनियों के साथ साथ पेट्रो रसायन सेक्टर में किसी न किसी कारण से प्रेशर की स्थिति बनी रहेगी। 27 और 28 फरवरी को ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स में बारी बारी से समर्थन मिलने से सूचकांक में आश्चर्यजनक तरीके से ग्राफ ऊपर उठने की संभावना। तो आचार्य जी से अभी हमने जाना कि किस तरह से इस साल की शुरुआत मार्केट में होने वाली है और जनवरी और फरवरी के बाजार के बारे में हमने चर्चा की। और अब आगे बढ़ने के बाद हम बात करेंगे मार्च और अप्रैल की कि कब कौन सी तिथियां और कौन से त्योहार होंगे और मार्केट पर इसका क्या असर रहने वाला है आचार्य जी। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्च महीने की ग्रह चाल की। मार्च महीने की शुरुआत कुंभ लग्न मृगशिरा नक्षत्र से होगी। महीने इस महीने कुंभ राशि का सूर्य, बुध कुंभ मीन का, शुक्र मीन वृष राशि में, मंगल और मेष राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। ये तो अब बात करेंगे सबसे पहले यही जय योग की। 2 मार्च दोपहर 12:43 से सूर्योदय तक, 4 मार्च शाम 6:41 से अगले दिन दोपहर 2:07 तक, 9 मार्च
रात 8:54 से अगले दिन सुबह 5:57 तक, 11 मार्च रात 10:05 से अगली सुबह 8:28 तक, 13 मार्च रात 9:27 से सूर्योदय तक, 26 मार्च दोपहर 2:09 से शाम 4:32 तक और 30 मार्च सूर्योदय से लेकर 10:59 तक। और अब 2023 के मार्च के महीने के प्रमुख व्रत त्यौहार की सूची देखिए। होली जलेगी 6 मार्च को, होलाष्टक समाप्त होगा 7 मार्च को, वसंतोत्सव होगा 8 मार्च को, होली मेला 8 मार्च को, रंग पंचमी 12 मार्च को, शीतला अष्टमी 15 मार्च को, चैत्र नवरात्र शुरू 22 मार्च, दुर्गा अष्टमी 29 मार्च, चैत्र नवरात्र समाप्त 30 मार्च और रामनवमी 30 मार्च, नवरात्र व्रत का पारण 31 मार्च। और अब आगे बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल माह की शुरुआत मीन लग्न आश्लेखा नक्षत्र से होगी। इस महीने सूर्य गुरु मीन राशि में, बुध शुक्र राहु मेष राशि में और मंगल मिथुन में होगा। तो इस महीने में अप्रैल में पड़ने वाले यही जय जो गए 1 अप्रैल को सूर्योदय से दोपहर बाद 3:10 तक, 6 अप्रैल सूर्योदय से दोपहर 12:41 तक, 8 अप्रैल सूर्योदय से दोपहर 12:41 तक, 10 अप्रैल सुबह 8:37 से दोपहर 1:39 तक, 15 अप्रैल रात 8:45 से सूर्योदय तक, अगले सूर्योदय तक, 23 अप्रैल सूर्योदय से सुबह 7:47 तक और 29 अप्रैल सूर्योदय से दोपहर पहले 11:17 तक यही जय योग रहेगा। इस योग में न्याय पाने की चेष्टा करने पर न्याय अवश्य प्राप्त होता है। और त्योहारों की कड़ी में हम आगे बात करेंगे अप्रैल 2023 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की। तो त्रयोदशी व्रत 3 अप्रैल महावीर जयंती, 4 अप्रैल हनुमान जयंती और वैशाख मास स्नान आरंभ, 6 अप्रैल गुड फ्राइडे, 7 अप्रैल बैसाखी, 14 अप्रैल अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, 22 अप्रैल। तो क्या आप इन महीनों में बाजार का रुख भी जानना चाहती हैं? बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपसे आगे यही जानना चाह रही थी कि बाजार कैसा रहने वाला है। मार्च में शेयर बाजार की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा बुधवार मृगश नक्षत्र मिथुन राशि। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध राशि में, सूर्य बुध की शनि की युति कुंभ में, शुक्र की युति मीन में, मंगल वृष में गोचर करेंगे। महीने की शुरुआत में बुध अस्त अवस्था में चलते हुए 31 मार्च को उदित हो जाएंगे। 12 मार्च को मंगल मिथुन में, इसी तारीख को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 13 मार्च को उतार चढ़ाव होने की संभावना है। 14 से 17 मार्च तक सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, इनके शेयर्स में व्यापक उतार चढ़ाव की संभावना। बाजार में स्थिरता का अभाव रहेगा, फिर भी धारणा देखकर काम करना ही बुद्धिमानी है। 20 मार्च को अस्थिरता, जबकि 21 से 24 मार्च तक गलत अफवाह या अन्य कारणों के चलते बताए गए सेक्टर्स के शेयरों में बारी बारी से मतलब सेल शुरू हो जाएगी, लोग अपने शेयर्स बेचने लगेंगे। इससे बाजार की दशा दिशा देखकर 27 से 31 मार्च तक सब कुछ सामान्य रहा तो लोहा, सीमेंट, रियल एस्टेट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग इनको समर्थन मिलने से शेयर बाजार के सूचकांक में आश्चर्यजनक तरीके से ग्राफ के ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है इस महीने की शुरुआत 24 मार्च तक तेजी कम मंदी ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। और अब बात करेंगे अप्रैल के महीने की। इस महीने की शुरुआत का दिन शनिवार, आश्लेखा नक्षत्र कर्क राशि। इस महीने सूर्य बुध गुरु मीन राशि में, राहु शुक्र मेष में, मंगल मिथुन में और शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। महीने के प्रारंभ में बुध उदित अवस्था में चलते हुए 24 अप्रैल को ये अस्त हो जाएंगे। 21 अप्रैल को बुध वक्री होगा, 7 अप्रैल को शुक्र और बुध दोनों ही शुक्र वृष राशि में प्रवेश करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर ये बुध राहु के साथ प्रतियुति करेंगे। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में प्रवेश करके सूर्य बुध गुरु तीनों प्रतियुति करेंगे। इससे मास के आरंभ में तारीख 3 से 7 अप्रैल तक सब कुछ सामान्य रहा तो सॉफ्टवेयर कंपनियां, मीडिया कंपनियां, वित्तीय संस्थाओं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में और मेटल्स के रेट्स में बारी बारी से समर्थन मिल सकता है। 10 से 21 अप्रैल तक बाजार में तेजी कम, मंदी का पलड़ा भारी रह सकता है।
और अब बढ़ते हैं आगे और दो और महीनों की चर्चा करते हैं, यानी कि अब हम बात मई और जून की करेंगे कि कब कौन सी तिथियां, कौन से त्योहार होंगे और साथ ही बाजार का क्या हाल रहने वाला है। आचार्य जी, बात करेंगे मई महीने की शुरुआत के समय मेष लग्न की। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र से होगी। इस महीने सूर्य बुध राहु मेष राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि कुंभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में रहेगा, जिसमें महीने की शुरुआत होगी। और अब बात करेंगे इस महीने पड़ने वाले याई जैद योग की। तो 5 मई की दोपहर पहले 11:28 मिनट से रात 9:39 तक याई जैद योग, 15 मई सुबह 9:08 से देर रात 1:03 तक, 20 मई सुबह 8:02 से रात 9:31 तक, 29 मई सूरज उगने से शुरू करके दोपहर पहले 11:49 तक, और ये याई जैद योग है प्रमुख। और अब बात करेंगे मई महीने के प्रमुख व्रत और त्योहार। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख स्नान समाप्त 5 मई, अपरा भद्रकाली एकादशी 15 मई, वट सावित्री व्रत शनि जयंती 19 मई। जून महीने की शुरुआत वृष लग्न चित्रा नक्षत्र से हो रही है। इस महीने सूर्यदेव वृष राशि में, बुध गुरु राहु मेष राशि में, मंगल शुक्र व कर्क में, शनि कुंभ राशि में रहेगा। ये महीने की शुरुआत के समय की बात है। और अब बात करते हैं जून महीने में पड़ने वाले याई जैद योग की। तो 1 जून की रात 11:39 से लेकर सूरज उगने तक, 11 जून दोपहर 2:32 से लेकर अगला सूरज उगने तक, 12 जून सूर्योदय से लेकर सुबह 10:34 तक, 15 जून सुबह 8:32 से दोपहर 2:11 तक, 17 जून सुबह 9:11 से शाम 4:24 तक। और अब बात करेंगे जून 2023 के प्रमुख व्रत और त्यौहार। वट सावित्री व्रत 3 जून। देखो, अभी हमने कुछ देर पहले वट सावित्री व्रत बताया था। तो जो दाक्षिणात्य हैं वो पहले करते हैं, और जो पंचगौड़ हैं यानी उत्तर भारत में बाद में आती, 15 दिन बाद। संत कबीर जयंती 4 जून, ज्येष्ठ पूर्णिमा 4 जून, गुप्त नवरात्र प्रारंभ 19 जून, जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून, विवस्वत सप्तमी, गुप्त नवरात्र समाप्त 25 जून, हरशयनी एकादशी 29 जून, चातुर्मास व्रत 29 जून से शुरू। और आइए बात करते हैं मई और जून के महीने के दौरान ग्रह स्थिति बाजार पर कैसा असर डाल रही है। मई का महीना दिन सोमवार पूरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि से शुरू होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध गुरु राहु की ज्योति मेष राशि में, शुक्र वृष राशि में, मंगल मिथुन में, शनि कुंभ में गोचर करेंगे। 2 मई को शुक्र मिथुन राशि में, 10 मई को मंगल कर्क राशि में, 15 को सूर्य वृष राशि में और बुध मार्गी हो जाएगी। मास के प्रारंभ में बुध अस्त अवस्था में चलते हुए 10 मई को ये उदित हो जाएंगे। फलतः महीने के प्रारंभ में ग्रह जो ग्रह 4 स्थितियों के अनुसार 1 से 5 मई तक सब कुछ सामान्य रहा। तो ऑटोमोबाइल, सीमेंट, इस्पात, पावर, विद्युत, मोटर कार, चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट, सोना, चांदी, कॉपर, इनके शेयरों में बारी बारी से समर्थन मिलेगा। 10 से 12 मई तक कोई अनहोनी घटना अथवा अन्य हालात के कारण सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा और वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में अचानक सेल शुरू हो जाएगी। इससे इस स्थिति से बाजार में अफरा तफरी मच सकती है। 15 से 19 मई तक ब्लू चिप विभिन्न सेक्टर्स के शेयरों में किसी न किसी कारण से दबाव की स्थिति स्थिरता नहीं बनने देगी। अतः तेजी की अपेक्षा मंदी का सौदा कहीं लाभकारी साबित हो सकता है। अतः अब देखो, हम ये सहज नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बनेगी, अतः धारणा देकर काम करें। 22 से 26 मई तक सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा, वित्तीय संस्थाओं के साथ साथ रियल एस्टेट, पावर और धातुओं के शेयरों में बारी बारी से समर्थन मिलने से सूचकांक में आश्चर्यजनक तरीके से ऊपर उठने के संकेत हैं। और अब जून महीने की चर्चा करें, उसके पहले बता दूं कि मैं ये कोई जानकारी सटोरियों के लिए, सट्टा बाजार के लिए, शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं दे रहा हूँ। कृपया सटोरिए, सट्टा बाजार में काम करने वाले ट्रेडर्स हमारी सूचना के आधार पर काम न करें। ये सूचना इस राष्ट्र के उन सदगृहस्थों के लिए है जिनको ये पता होना चाहिए कि कब रुई महंगी है, कब तिल महंगा है, कब तेल महंगा है, कब शक्कर का दाम गिरेगा, कब गुड़ की कीमत कम होगी। यह जानकारी हम उन लोगों के लिए देते हैं। अस्तु, ये ध्यान रहे कि इसका दुरुपयोग न करें विद्या का। और अब चर्चा जून महीने की।
ये महीना दिन गुरुवार चित्रा नक्षत्र तुला राशि में शुरू हो रहा है। महीने के प्रारंभ में सूर्य वृष राशि में, मंगल शुक्र कर्क राशि में, शनि कुंभ में और बुध गुरु राहु के युति है। मेष में 7 जून को बुध बृहस्पति में प्रवेश, बुध वृष राशि में प्रवेश करके सूर्य के साथ युति करेंगे। 15 जून को सूर्य मृक्षा नक्षत्र और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 जून को शनि वक्री होंगे। 24 जून को बुध मृक्षा नक्षत्र और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। महीने के आरंभ में बुध उदित अवस्था में चलते हुए 19 जून को ये अस्त हो जाएंगे। 5 से 15 जून तक तमाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किसी न किसी कारण से मंदी का पलड़ा भारी महसूस हो रहा है। अतः देश काल और परिस्थितियाँ और अंतर्राष्ट्रीय हालात का अनुसरण करते हुए आपको भी अपने निर्णय करने चाहिए, यानी आप घर के लिए क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। ज़्यादातर ब्लू चिप और विभिन्न सेक्टरों में के शेयरों में बारी बारी से समर्थन मिलने से शेयर बाजार के सूचकांक में अचानक ग्राफ ऊपर उठेंगे, ऐसा संकेत है। यदि ऐसा होता है तो 27 से 30 जून तक चाय, कॉफ़ी, जो रियल इस्टेट है, पावर है, विद्युत है, चीनी, शक्कर, रुई, कॉपर, इस्पात और गुड़ की कीमतों में और मोटर बाजार में इनके शेयरों में बारी बारी से समर्थन मिल सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और हम आपसे लगातार ये जान ही रहे हैं कि 2023 कैसा रहने वाला है हमारे देश के लिए और जो बाकी के महीने हैं, हम इस ब्रेक के बाद उनके बारे में बात करेंगे। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए। च्यवनप्राश के नाम पर विज्ञापनों का प्रोपेगंडा आपने बहुत देखा, लेकिन रियल हिस्ट्री यह है कि बूढ़े च्यवन ऋषि इसे खा करके जवान हो गए थे। ऋषियों के ज्ञान व वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, लंबी आयु, ताकत व इम्यूनिटी पाइए। द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, बी फॉर यू म्यूजिक, your gateway to the biggest superstars, entertainment shows and hottest chart busters, everything Bollywood. Enjoy the music, enjoy before you. साल के स्वागत का उत्साह आपके लिए पूरा साल बना रहे। Here's wishing you Merry Christmas and a very Happy New Year. Ashpra, प्रथा भी, प्रगति। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। रोबोट और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार, हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक व्हील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नए साल की शुरुआत इस बार आंदोलन से हुई है। लाखों की संख्या में जैन समाज के लोग देश में सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जैन समाज का यह विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया है। तो तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन इस वक्त बता दें आपको कि जैन समाज के लोगों में काफी गुस्सा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे जैन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैन समाज श्री सम्मेद शिखर तीर्थ को टूरिस्ट प्लेस बनाने और शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। जैन समाज की मांग है कि सम्मेद शिखर को टूरिस्ट सेंटर ना बनाया जाए, साथ ही आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। शत्रुंजय पर्वत पाली थाना में है और सम्मेद शिखर के बाद जैन समाज का यह सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है।
दिल्ली में जैन समाज का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस हल्का बल प्रयोग करती दिख रही है। हालात को काबू करने के लिए उनको समझाइश दी जा रही है, उनको पीछे हटने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सड़क खाली। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश भारत की भविष्यवाणी में। अभी तक हमने जाना कि नए साल में जनवरी से लेकर जून तक कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, किस महीने में कब कब पड़ेगा मुकदमे में जीत दिलाने वाला याई जैद योग और कब रहेगी कौन सी तिथि और त्योहार। साल के शुरुआती छह महीनों में कैसा रहेगा शेयर मार्केट और बाजार का हाल, ये भी आपको आचार्य जी ने अभी बताया। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारत की भविष्यवाणी। अब आचार्य जी से हम जान लेते हैं कि साल 2023 के जुलाई और अगस्त महीनों की ग्रह चाल और बाजार पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में। आचार्य जी बिल्कुल पहले की तरह बात सबसे पहले जुलाई महीने की ग्रह चाल और याई जैद योग की। तो जुलाई महीने की शुरुआत मिथुन लग्न अनुराधा नक्षत्र से होगी। इस महीने सूर्य बुध मिथुन राशि में, मंगल सिंह राशि में, गुरु राहु मेष में, शुक्र कर्क और शनि कुंभ राशि में होंगे। और अब बात करते हैं जुलाई महीने में पड़ने वाले याई जैद योग की। 1 जुलाई सूर्योदय से लेकर दोपहर बाद 3:03 तक, 9 जुलाई सुबह 8:51 से लेकर 7:21 तक, 21 जुलाई सूर्योदय से लेकर सुबह 10:58 तक, 22 जुलाई देर रात 2:58 से अगले सूरज उगने तक, 23 जुलाई दोपहर पहले 11:45 से लेकर अगले सूर्योदय तक। और अब हम बताएंगे जुलाई महीने के 2023 की जुलाई के प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। तो कोकिला व्रत है 2 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को, श्रावण सोमवार व्रत शुरू हो जाएंगे 10 जुलाई से, श्रावण की शिवरात्रि 15 जुलाई, हरताली अमावस्या और सोमवती अमावस्या दोनों ही है 17 जुलाई को, श्रावण अधिक मलमास प्रारंभ 18 जुलाई। और अब बात करेंगे अगस्त 2023 की। अगस्त माह की शुरुआत कर्क लग्न उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से होगी। इस महीने सूर्य कर्क राशि में, मंगल बुध शुक्र सिंह में, गुरु राहु मेष में, शनि कुंभ राशि में रहेगा। और अब बात करेंगे अगस्त महीने में पड़ने वाले याई जैद योग की। तो 5 अगस्त की सुबह 9:40 से अगले दिन सूर्योदय तक, 6 अगस्त सूर्योदय से लेकर सुबह 7:10 तक, 13 अगस्त सुबह 8:26 से अगले दिन सूर्योदय तक, 14 अगस्त सूर्योदय से लेकर सुबह 10:25 तक, 19 अगस्त सूर्योदय से लेकर सुबह 10:25 तक, 28 अगस्त शाम 6:22 से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक याई जैद योग रहेगा। इस दौरान न्याय पाने का प्रयास करने पर न्याय अवश्य मिलता है। और अब चर्चा करेंगे अगस्त 2023 के प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। तो सबसे बड़ा त्यौहार स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, मलमास समाप्त होगा 16 अगस्त को, मधुस्रवा यानी हरियाली चीज है 19 अगस्त को, नागपंचमी 21 अगस्त, कल्कि जयंती 22 अगस्त, रक्षाबंधन 30 अगस्त, श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त। तो चलिए इन दोनों महीनों में बाजार का हाल भी जान लेते हैं। जुलाई के महीने दिन शनिवार अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि से शुरुआत हो रही है। महीने के प्रारंभ में बुध सूर्य की युति मिथुन में, शुक्र कर्क में, मंगल बुध में, मंगल बुध और शनि कुंभ में तथा गुरु राहु की युति मेष राशि में गोचर करेंगे। 1 जुलाई को मंगल मघा नक्षत्र और सिंह राशि में, 7 जुलाई को शुक्र मघा नक्षत्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मंगल के साथ युति करेंगे, 8 जुलाई को बुध कर्क राशि में, 17 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में, 25 जुलाई को बुध मघा नक्षत्र सिंह राशि में और 23 जुलाई को शुक्र बकरी होंगे। महीने की शुरुआत में बुध अस्त अवस्था में चलते हुए 14 जुलाई को पश्चिम में उदित होंगे। फलस्वरूप मास के प्रारंभ में आपसी ग्रह संबंध एक दूसरे के वैर विरोधी होने के कारण
3 जुलाई को मार्केट में फ्लक्चुएशन, 4 से 7 जुलाई तक अचानक कोई घटना चक्र या अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण विश्व के छोटे मोटे तमाम राष्ट्रों के बाजारों में विशेषकर सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक के शेयरों की सेल बढ़ जाएगी। बाजार में थोड़ी सी अचानक झटके की स्थिति महसूस होगी। 10 से 12 जुलाई तक बाजार में सेल बनी रहेगी और ये सिलसिला सूचकांक को गिरा सकता है। 24 और 26 जुलाई तक सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मास्यूटिकल, बैंक, ऑटोमोबाइल, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट और इस्पात कंपनियों के शेयरों में अस्थिर सुधार की धारणा बन सकती है। अगस्त का महीना मंगलवार के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि में शुरू हो रहा है। सूर्य कर्क में होंगे। मंगल, बुध, शुक्र की युति सिंह राशि में, शनि कुंभ में, गुरु राहु की युति मेष में। 7 अगस्त की शुक्र आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में प्रवेश कर ये सूर्य के साथ युति करेंगे। नतीजा होगा कि 1 से 8 अगस्त तक मंदी का पड़ाव भारी महसूस होगा। 9 से 11 अगस्त तक सब कुछ सामान्य रहा तो ये जो मीडिया की कंपनियां हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, बैंक हैं, पेट्रोल, रसायन, गैस, इनके शेयर्स में सुधार होगा, यानी इनकी कीमतें बेहतर होंगी, व्यापक सुधार की संभावना हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 14 से 18 तक इन सेक्टर के शेयरों में विदेशी निवेशकों के साथ साथ संस्थागत निवेशकों का समर्थन मिलने से शेयर बाजार सूचकांक का ग्राफ उठेगा। तो आचार्य जी ने अभी आपको बताया कि ये जुलाई और अगस्त में आपको कैसे सावधान रहना है, क्या क्या उपाय अपनाना है और कहां कहां पर सावधानी बरतनी आपके लिए जरूरी है। और अब सितंबर और अक्टूबर के बाजार का क्या हाल रहने वाला है, ग्रह स्थिति इन महीनों को लेकर क्या इशारा करती है, हम आचार्य जी से आगे जानेंगे। आचार्य जी, शेयर बाजार की बात से पहले इन दोनों महीनों की ग्रह चाल यही जय जोग एक बार नजर डाल लेते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत सिंह लग्न पूरा भाद्रपद नक्षत्र से होगी। इस महीने सूर्य बुध सिंह में, मंगल कन्या में, गुरु राहु मेष में, कर्क, शुक्र और कुंभ में शनि रहेंगे। और अब बात करते हैं सितंबर के महीने में पड़ने वाले याई जयदियों की। 2 सितंबर सूर्योदय से लेकर सुबह 10:16 तक, 10 सितंबर सूर्योदय से लेकर शाम 5:06 तक, 16 सितंबर सूर्योदय से लेकर सुबह 9:17 तक, 21 सितंबर दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:34 तक, 25 सितंबर सुबह 7:53 से दोपहर पहले 11:54 तक और 30 सितंबर को सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:21 तक यही जय योग यानी न्याय पाने के लिए अनुकूल अवसर रहेगा। और अब बात करेंगे प्रमुख व्रत और सितंबर के प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। कजरी तीज होगी 2 सितंबर को गणेश बहुला चतुर्थी, 3 सितंबर चंदन षष्ठी, 4 सितंबर जन्माष्टमी, 6 सितंबर गोकुलाष्टमी यानी नंदोत्सव, 8 सितंबर देखो ये जो गोकुल में मनाया जाता है मथुरा वृंदावन से, और ये जो कृष्ण संस्थानों से आप देख लेते हैं वो सब नंदोत्सव होता है। जन्माष्टमी जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात, और अगर रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो श्री कृष्ण जयंती कहलाती है। कुशाग्रहणी अमावस्या 14 सितंबर, देखो इसके लिए सब लोग अपने कैलेंडर में बिल्कुल गोला बना के रख लो। इस दिन कुश उखाड़ के लाना। हरतालिका तृतीया 18 सितंबर, सूर्य षष्ठी व्रत 21 सितंबर, राधाअष्टमी 23 सितंबर, पितृपक्ष श्राद्ध आरंभ 29 सितंबर। और अब बात करते हैं अक्टूबर 2023 की। अक्टूबर महीने की शुरुआत कन्या लग्न अश्विनी नक्षत्र से होगी। इस माह सूर्य मंगल कन्या राशि में, बुध सिंह में, गुरु राहु मेष में, शुक्र कर्क में और शनि कुंभ राशि में रहेंगे। और अब बात करते हैं अक्टूबर महीने में पड़ने वाले यई जैत योग की। 1 अक्टूबर शाम 7:27 से लेकर 8:39 तक, 7 अक्टूबर सुबह 8 से लेकर देर रात 2:56 तक, 12 अक्टूबर शाम 7:53 से अगले दिन सूर्योदय तक, 15 अक्टूबर शाम 6:11 से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, 26 अक्टूबर दोपहर पहले 11:26 से लेकर अगले दिन सूरज उगने तक, 29 अक्टूबर सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक। तो ये वो मौके हैं, ये वो समय हैं
जिस समय अगर आप न्याय पाने की कोशिश करेंगे तो आपको न्याय अवश्य प्राप्त होगा। और आइए अब चर्चा करते हैं अक्टूबर 2023 के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर, जीवित पुत्र का व्रत 6 अक्टूबर, सर्व पितृ श्राद्ध 14 अक्टूबर, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर, शरद नवरात्र प्रारंभ 15 अक्टूबर, दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर, महानवमी और नवरात्र समाप्त 23 अक्टूबर, विजयादशमी, दशहरा 24 अक्टूबर, शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर, खंडग्रास चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर, कार्तिक स्नान प्रारंभ 28 अक्टूबर। और अब चर्चा इस बात पर कि सितंबर और अक्टूबर के महीने बाजार का रुख क्या रहने वाला है, क्या सस्ता रहेगा, क्या महंगा होगा, क्या खरीद सकते हैं और अपनी किचन के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो सितंबर का महीना जिस शुक्रवार पूरा भाद्रपद और मीन राशि से शुरू हो रहा है। महीने के प्रारंभ में बुध सूर्य की युति सिंह में, मंगल कन्या में, शनि कुंभ में, गुरु राहु की युति मेष में तथा शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में प्रवेश करके मंगल के साथ युति करेगा। महीने के प्रारंभ में बुध अस्त अवस्था में चलते हुए 13 सितंबर को पूर्व दिशा में उदित अवस्था में ही 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। 5 सितंबर को गुरु वक्री और 4 सितंबर को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। इससे शेयरों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और स्थितियां सामान्य रही तो इस्पात, सीमेंट, इंजीनियरिंग, पेट्रोल रसायन, पावर, विद्युत और धातु के शेयरों में सामान्य से भारी समर्थन की संभावना प्रतीत होती है। अगर ऐसा होता है तो 11 से 15 सितंबर तक अधिकांश ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में विदेशी निवेशकों के समर्थन से सूचकांक में आश्चर्यजनक तरीके से ग्राफ उठेगा। अक्टूबर का महीना दिन रविवार अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि से प्रारंभ हो रहा है। महीने के प्रारंभ में मंगल कन्या राशि में, राहु गुरु की युति मेष में, शुक्र कर्क में तथा बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। 1 अक्टूबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करके सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 3 अक्टूबर को मंगल तुला में, 13 अक्टूबर को सूर्य तुला में, मंगल केतु 19 अक्टूबर को बुध के साथ युति करेंगे। जबकि बुध महीने के आरंभ में पूर्व में अस्त होकर पूरा मास अस्त व्यस्त ही चलते रहेंगे, जिससे मास के आरंभ में स्थितियां सामान्य रहीं तो इस्पात, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, मोटर कार कंपनी, विद्युत, पावर और धातुओं के शेयरों में बारी बारी से समर्थन मिलता रहेगा। 9 अक्टूबर को उतार चढ़ाव और 10 से 13 अक्टूबर तक उपरोक्त सेक्टर्स में ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में बारी बारी से समर्थन यानी तेजी की संभावना प्रतीत हो रही है। और अब बारी है नवंबर और साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर की। अच्छा, तो चलिए बिना किसी देर के पहले बात करते हैं नवंबर 2023 की। नवंबर महीने की शुरुआत तुला लग्न मृक्षरा नक्षत्र से होगी। इस महीने सूर्य मंगल बुध तुला में, गुरु मेष में, केतु कन्या में, शुक्र सिंह राशि में रहेंगे। और अब बात करेंगे नवंबर महीने में पड़ने वाले जाई जयदेव की। 6 नवंबर सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:21 तक, 9 नवंबर दोपहर 1:41 से अगले दिन सूर्योदय तक, 12 नवंबर दोपहर 2:45 से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, 18 नवंबर सूर्योदय से लेकर सुबह 9:28 तक, 23 नवंबर सूर्योदय से लेकर सुबह 10:02 तक, 25 नवंबर दोपहर 2:55 से शाम 5:22 तक, 27 नवंबर दोपहर 1:35 से दोपहर 2:46 तक और 28 नवंबर को दोपहर 2:45 से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक यही जय योग रहेगा। इस दौरान न्याय पाने का प्रयास करने से न्याय अवश्य प्राप्त होता है। और आइए चर्चा करते हैं नवंबर 2023 के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर, अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर, धन त्रयोदशी, दीपदान 10 नवंबर, हनुमत जयंती 11 नवंबर, नरक चतुर्दशी, दीपावली, महालक्ष्मी पूजन 12 नवंबर, सोमवती अमावस्या 13 नवंबर, गोवर्धन पूजा 14 नवंबर, भैया दूज 15 नवंबर, विश्वकर्मा पूजा 15 नवंबर, षष्ठी व्रत 19 नवंबर, तुलसी विवाह 23 नवंबर, देव प्रबोधिनी एकादशी
देवोत्थानी एकादशी 24 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर, कार्तिक स्नान समाप्त 27 नवंबर। और अब बात करेंगे साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2023। इस महीने की शुरुआत वृश्चिक लग्न पुनर्वसु नक्षत्र से होगी। इस महीने सूर्य मंगल वृश्चिक राशि में, बुध धनु में, गुरु मेष में, शुक्र तुला में, शनि कुंभ में, राहु मीन राशि में रहेगा। और अब बात करेंगे दिसंबर महीने में पड़ने वाले न्याय पाने की संभावना वाले समय की। किस समय मुकदमा कायम करें, घर में, समाज में, अपने जीवन में न्याय पाने का प्रयास कब करें, तो 17 दिसंबर सूर्योदय से लेकर शाम 5:33 तक, 21 दिसंबर 21 दिसंबर सूर्योदय से लेकर सुबह 9:37 तक, 24 दिसंबर रात 9:18 से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जय जय योग रहेगा। देखो अगर शाम से लेकर रात भर है तो अब उस समय कोई कचहरी तो खुलती नहीं, मुकदमा कायम कर देंगे। अरे भाई अपने वकील से मिल लो, अपने रेट पे साइन कर दो, या किसी को मैसेज देना है वो मैसेज उसी टाइम में आप दीजिए। उस समय का सदुपयोग किसी न किसी ढंग से कीजिए। उस समय को अपनी उस प्रक्रिया में, न्याय पाने की प्रक्रिया में यह न कहने प्रकार इन्वॉल्व करिए। और अब बात करेंगे साल के आखिरी महीने दिसंबर 2023 के प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। गीता जयंती 22 दिसंबर, मोक्षदा एकादशी 23 दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस, दत्तात्रेय जयंती 26 दिसंबर। और अगर नवंबर और दिसंबर महीने में बाजार की संभावनाओं पर बात करें तो नवंबर का महीना दिन बुधवार वृक्ष नक्षत्र वृष राशि से शुरू हुआ है। महीने की शुरुआत में मंगल सूर्य बुध तुला में, शनि कुंभ में, राहु मीन में, गुरु मेष में, शुक्र सिंह में गोचर करेगा। 3 नवंबर को शुक्र कन्या में, 6 नवंबर को बुध विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में, 16 नवंबर को मंगल विशाखा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि में, 17 नवंबर को सूर्य के साथ, 27 नवंबर को बुध मूल नक्षत्र और धनु राशि में, 30 नवंबर शुक्र चित्रा नक्षत्र और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। महीने के आरंभ में बुध अस्त अवस्था में चलते हुए 13 नवंबर को पश्चिम में उदित होंगे। 5 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। फलानुसार महीने के प्रारंभ में सब कुछ सामान्य रहा तो इस्पात, सीमेंट, रियल एस्टेट, पावर, विद्युत, गैस, पेट्रोल, रसायन और धातुओं के शेयरों में घट बढ़ करके सुधार हो सकता है। और 6 से 10 नवंबर तक स्थितियां सामान्य रही तो ज़्यादातर ब्लू चिप सेक्टर के शेयरों में समर्थन मिलने से शेयर बाजार सूचकांक में भारी सुधार की संभावना है। 14 से 16 तक सॉफ्टवेयर कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, फार्मास्यूटिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी कंपनीज में घट बढ़ के साथ सुधार होगा। और दिसंबर का महीना ये शुक्रवार पुनर्वस नक्षत्र कर्क राशि से शुरू हो रहा है। महीने के प्रारंभ में मंगल सूर्य की युति वृश्चिक में, बुध धनु में, शनि कुंभ में, राहु मीन में, गुरु मेष में, शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य मूल नक्षत्र चंद्र राशि में गोचर कर बुध के साथ और 25 दिसंबर को शुक्र विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि में, 28 दिसंबर को मंगल मूल नक्षत्र धनु राशि में प्रवेश करके सूर्य के साथ और बुध ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके शुक्र के साथ युति करेंगे। 4 से 8 दिसंबर तक दूरसंचार, मीडिया, सूचना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बैंकिंग शेयर में समर्थन की संभावना प्रतीत हो रही है। 24 से 29 दिसंबर तक सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऑटोमोबाइल, सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, चांदी, कॉपर, पेट्रोकेमिकल, गैस और रुई और बिनौला के शेयरों में भी सामान्य से भारी सुधार की संभावना है। साथ ही स्थिति देखकर काम करें। और अब समय यह है जानने का कि साल 2023 में भारत के पड़ोसी देशों, खास करके पाकिस्तान और चीन से कैसे संबंध होंगे। इसके अलावा भारत के दुनिया के बड़े देशों से कैसे संबंध रहने वाले हैं, आचार्य जी से हम ये भी जान लेते हैं। आचार्य जी, देखिए भारत पिछले कुछ वर्षों से न एशिया में बल्कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है, लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी इस बात से बहुत खुश नहीं है। 9 दिसंबर 2022 की लगभग शाम 5 बजे को तवांग में भिड़े चीन के सैनिकों को भारत के सैनिकों ने मारकर खदेड़ा। तवांग के यांगसले में
9 दिसंबर 2022 को 600 चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्परेरी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उनको मारकर खदेड़ दिया। जब ये घटना घटी उस समय भारत की जनपत्रिका में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। इसका भविष्य में क्या प्रभाव होगा, आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 9 दिसंबर, इसका तो वैसे भी चीन को दंड मिलने लगा है, और 9 दिसंबर 2022 की शाम 5 बजे मिथुन लग्न, मृक्षया नक्षत्र, शुभ योग, वृश्चिक राशि का सूर्य, मकर का शनि, वृष का मंगल और मेष राशि में राहु गोचर कर रहे थे। अब इसका क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि 10 तारीख से लेकर के 18 जनवरी से 24 अप्रैल के बीच चीन को प्राकृतिक आपदा के रूप में अपने इस प्रकार के प्रयासों का दंड। देखो कॉस्मोस में हर चीज बिल्कुल सही ढंग से दर्ज होती है, उस तराजू में कोई पसंगा नहीं, उस कंप्यूटर में कोई एंट्री गलत फीड नहीं होती। अगर कोई आपका अपमान करे और आप केवल उसको मारे नहीं, अपने मान की सुरक्षा कर ले, तो उसको मारने की व्यवस्था कॉस्मोस कर लेता। चीन इस साल 18 जनवरी से 24 अप्रैल के बीच अपने इस प्रयास का दंड पा जाएगा, और कहीं वियतनाम की तरफ उसको और ठोक के जवाब मिल जाएगा। अब रही बात भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों की, तो एक बड़ी बड़ी अभद्र घटना हुई 16 दिसंबर को। भारतीय नेतृत्व के खिलाफ पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अशोभनीय बयान दिया। किसी भी सत्ता में राजा के मुख से सत्ता का प्रारब्ध बोलता, अगर वहाँ का मंत्री ये बेहुदा बात कर रहा है तो उसका नतीजा उसकी जनता को भुगतना पड़ता। और वर्ष 2023 में यही समय जो चीन के लिए है, जो आपके लिए हमने बताया 18 जनवरी से ये 24 अप्रैल तक का समय, इस बीच ये देश पाकिस्तान बहुत तीव्रता के साथ भुखमरी का सामना करने जा रहा है, और इसको अपने अभद्रता का जवाब प्रकृति से मिल जाएगा। अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि साल 2023 में विश्व में क्या कुछ हो सकता है। बात रूस यूक्रेन की कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन जंग के मोर्चे पर डटे हुए, इस बीच रूस ने धमकी देते हुए यूक्रेन से कहा है कि हमारे प्रस्तावों को पूरा करें, नहीं तो इस मसले पर सेना फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी शर्तों को लेकर स्पष्ट हैं, हम चाहते हैं कि यूक्रेन हमारे कब्जे वाली जमीन से हट जाए। देखिए इस जो रूस और यूक्रेन की जनपत्रियां हैं, इन दोनों जनपत्रियों को अगर आप सामने रखकर बात करें तो रूस अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा कर रहा है। यूक्रेन की चंद्र कुंडली आप देखिए, यूक्रेन की कुंडली देखने से आपको लगेगा कि यूक्रेन जबरिया रूस की सीमाओं के लिए खतरा बन रहा था, आज तो रूस ने आत्मरक्षा में एक कदम उठाया, और आने वाले समय में ग्रहों की गति के देखते हुए यूक्रेन की सत्ता को धीरे धीरे घटना पड़ेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, और इसमें बाजी ग्रहों की स्थिति के अनुसार रूस के हाथ रहेगी। आचार्य जी से हमने जाना जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या रहेगा बाजार का रुख, भारत का ये नया साल कैसा रहने वाला है, साथ ही दुनिया में भारत की स्थिति क्या रहेगी, और न्याय पाने के लिए कब कब बनेगा खास योग। आशा करते हैं कि ये तमाम जानकारी आपके काम आएंगी और इस साल आप हर क्षेत्र में कामयाबी जरूर प्राप्त करेंगे। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से हर एक विषय की संपूर्ण जानकारी दी। तो चलिए इसी के साथ नववर्ष की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मुझे और आचार्य जी को अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।